हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, इससे पहले हम केमिस्ट्री के दो चैप्टर फिनिश कर चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड सेकंड चैप्टर एसिड बेसिड एंड सॉल्ट. ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हायर क्लासेस के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और अपडेट इस चैप्टर में, क्योंकि जो दो वीडियो हमने बनाई थी उस समय तक सीबीएसई की ये अपडेट नहीं आई थी, लेकिन आगे से जो भी हम आपको वीडियो बनाएंगे तो हम आपको हर एक वीडियो में ये जरूर बताएंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट और बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं. ठीक है, केवल बोर्ड एग्जाम से हटाए हैं, न कि आपके सिलेबस से. ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है. मीन्स आपको पढ़ना सब है, बट उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हटाए गए हैं बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट में पोर्शन है मेटलर्जी, अक्रेंस ऑफ मेटल्स, वो हटा दिया गया है. ठीक है, तो ओके चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो एज यू नो इन अर्लियर क्लासेस सेवंथ और एट्थ, ओके, और हम बहुत पहले से ये सीखते हुए आ रहे हैं कि देर आर 118 नोन एलिमेंट्स एट प्रेजेंट. ओके, अब तक 118 एलिमेंट्स हैं. ओके, कुछ मैनमेड हैं और कुछ नेचुरल हैं. ओके, तो नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. ओके, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबल मींस मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग. मींस यदि हम मेटल्स को ठोकते रहें तो वो थिन शीट में, पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल कितनी पतली होती है. ओके, नंबर टू डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल मींस मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर, मींस इनके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं. ओके, नंबर थ्री मेटल्स आर लस्टर्स मींस शाइनी, चमक होती है उनमें. ओके, मेटल्स आर सोनोरस. ओके, सोनोरस मींस रिंगिंग साउंड, जब आप मेटल्स को ठोकोगे तो रिंगिंग साउंड आती है. ओके, लेकिन नॉन मेटल्स को रिंगिंग साउंड नहीं आएगी. अब ये भी कह सकते हो कि हम किसी भी चीज को स्ट्रक करें तो साउंड तो आती है, लेकिन यहां डिफरेंस है रिंगिंग साउंड और नॉर्मल साउंड. ओके, मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन केस बनता है जो आपको याद रखना है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जनरली हार्ड होते हैं. ओके, यहां पर एक पॉइंट और हम क्लियर करें कि मेल्टिंग पॉइंट, ओके, मेल्टिंग पॉइंट जनरली मेटल्स के बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं. जैसे हम गैलियम और सीजियम की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने कम है कि यदि आप उन्हें अपने हाथ में रख लोगे या थैली में रख लोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे. ओके, तो ये आपको याद रखना है गैलियम एंड सीजियम. नंबर सिक्स पे हम बात करें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं. इसलिए आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर्स होते हैं वो जनरली मेटल्स के बने होते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो जनरली जस्ट इसके अपोजिट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के. तो नंबर वन इधर मेलिएबल, तो नॉन मेलिएबल. ओके, मींस इनसे पतली चादर ठोक ठोक के नहीं बनाई जा सकती, मींस ये टूट जाते हैं.
और इस करैक्टर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। ठीक है, मींस ये अगर आप ठोकोगे तो टूट जाएंगे। मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मींस वायर नहीं बनाया जा सकता। नॉन लस्ट्रस, चमक नहीं होती। नॉन सोनोरस, रिंगिंग साउंड नहीं आती। जनरली सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, लिए यहां एक्सेप्शन केस है डायमंड। डायमंड इज एक्चुअली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यहां पर एक और हम बात करें तो जनरली जैसे ये हार्ड है तो ये सॉफ्ट, लेकिन रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जैसे रूम टेम्परेचर पे मेटल्स जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, सिर्फ मरकरी को छोड़कर, लेकिन ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैस। लेकिन लिक्विड सिर्फ एक ही नॉन मेटल है और दैट इज ब्रोमाइड। ओके, नाउ मेटलॉइड्स। ओके, 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 7 मेटलॉइड्स हैं और ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करती है। ओके, तो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रॉपर नोट्स बनाइए और इनको लर्न करिए। वेल स्टूडेंट्स, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ओके पढ़िए, हमने बहुत अच्छे से समझी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वन बाई वन स्टडी करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस एयर। ओके, तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जनरली दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ओके, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मींस मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड्स। ओके, जनरली दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड। ओके, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, जब सोडियम की रिएक्शन Na ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड Na2O बैलेंस कराने के लिए 4Na लिया हुआ है इधर हमने और ये 2Na2O। ओके, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। ओके, ये बेसिक नेचर में बेसिक है। ओके, हाँ, यहां पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे और वाटर सोल्यूबल नहीं होते, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। ओके, द बेसिक ऑक्साइड्स विच डिजोल्व या बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जैसे मैंने यहां पर एक रिएक्शन आपको दिखाई है, जब हम इस Na2O की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है, तो NaOH ये बेस बन जाता है या इसको हम एल्कलीज बोल सकते हैं, मींस वाटर सोल्यूबल बेस। ओके, यहां पर जो सोडियम की रिएक्शन हो रही है ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं करते, वो हीट करने पर रिएक्शन करती है। देखिए, ये एग्जांपल एक मैंने दिया हुआ है, मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये कब रिएक्शन करता है, जब उसको हीट किया जाए। ओके, तो हीट करने पर क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे पहले वाली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कराते हैं तो उससे पहले उसको सैंड पेपर से रगड़ना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 एक रिएक्शन और दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इससे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। ओके, एल्युमिनियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। यहां पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है
दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड या व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो द बेसिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस. ओके, या जो बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों शो करती हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं. तो यहां पर मैंने ये रिएक्शन दी हुई है. देखिए पहली रिएक्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ. ओके, एससीएल के साथ रिएक्शन कराई है. Al2O3+6HCl gives 2AlCl3+3H2. तो यहां पर एसिड के साथ भी उसने रिएक्शन कर ली. दूसरी रिएक्शन है बेस के साथ NaOH के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट बना है. ओके, दोनों ही रिएक्शंस में सॉल्ट फॉर्म हुआ है. इट मींस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही करेक्टर शो करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने बहुत अच्छे से रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन समझा है. इसके प्रॉपर ये रिएक्शन नोट करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, लर्न करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू.